गणपति बप्पा इस बार आप सभी लोग के जो भी दुख कष्ट हैं सारा लेके और अपने साथ घर जाए। ये तो घर जाने की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि गणपति बप्पा हमारे घर आखिर कितने दिन रहते हैं। कई लोग को 1, 3, 5, 7, 11, सही बोलूँ जो भी रहते हैं हमारी मर्जी से नहीं रहते हैं, वो अपनी मर्जी से रहते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, पहली बार तो मैंने अचानक ही गणेश जी हमारे घर आए तो हमने 3 दिन रखा था, 2.5 दिन मतलब कर देना चाहिए तीसरे दिन, तो 3 दिन में कर दिया था। लेकिन उसके बाद मन में लालच आ गई और फिर सोचा क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगा 3 दिन। तो उसी टाइम पे डिसाइड किया था कि अगले बार से अगर गणेश जी आए तो पूरा 11 दिन रखने की कोशिश करेंगे। और खैर हमारे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो हमारी मर्ज़ी से ना आते हैं और ना ही हमारे मर्ज़ी से रुकते हैं, उनकी जितनी इच्छा होती है बस वो उतना ही रुकते हैं। तो बताई थी कि मैं कई सालों से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, हस्बैंड के भी चल रहे थे, बेटी मतलब छोटी थी तो बड़ी वाली की पढ़ाई वगैरह भी था, तो छुट्टी भी नहीं कर सकती थी स्कूल का, तो बहुत दिक्कत होता था। लेकिन फिर भी हमने 11 दिन रखना स्टार्ट कर दिया और कुछ सालों तक तो हमारे काफ़ी सपोर्ट रहा, मतलब जॉइंट फैमिली मेरी देवरानी और भी नेबर वगैरह के जो फ्रेंड है वो लोग भी प्रसाद बना लेते थे, फल ले आते थे, क्योंकि ये बताई थी गणेश पूजा बस मैंने ही स्टार्ट किया था और अभी कोई नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगा। और सही बोलूँ तो आप आपस में 2-4 लोग से कीजिए और कई लोग से मिल के कीजिए तो बहुत फ़र्क होता है। हाँ, प्रसाद बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो नहीं हो रही थी, लेकिन अगर मैंने बनाना स्टार्ट किया तो सही बोलूँ तो देवरानी भी बनाई, जो मतलब हम डिसाइड कर लेते थे कि आज कौन से वैरायटी का मोदक बनाना है या लड्डू बनाना है या बर्फी बनाना है। मैं अपना अपना किचन बनाती थी, वो अपना बना के लेके आती थी, नेवर के लोग भी लाते थे, तो बहुत सारा प्रसाद हो जाता था, बहुत ज़्यादा। और एक दूसरे को फिर हम बांटते थे, फल भी चढ़ाते थे और बहुत श्रद्धा से, मतलब सही बोलूँ चाहे 2 बहन हो, 2 भाई हो या देवरानी जेठानी हो, सभी का लक्ष्य यही होता है कि घर में सुख शांति रहे और फले फूले जो भी हो, घर के बच्चे सब अच्छे से रहें, बड़े बुजुर्ग अच्छे रहें, यही मकसद होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, जितनी शिद्दत से मैं अपने घर में गणेश जी को ला के पूजा करती थी उससे कहीं ज़्यादा ही मतलब मेरी देवरानी करती थी, कम नहीं करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगता था जब मिल बांट के करते थे, एक साल भर मतलब इंतज़ार करते थे, जबकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं भी रहती थी, लेकिन सच बोलूँ मुझे अकेले रहती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही दुख तकलीफ़ फील होता है, लेकिन अगर कुछ लोग आ जाते हैं या कुछ लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है या प्रसाद बनाना पड़ता है तो एक अलग सी ही मेरे अंदर ताकत और एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे ही था, हम मिल बांट के काफ़ी अच्छे से त्यौहार मनाते थे, जो कि अब ऐसा नहीं है। और सही बोलूँ एक पल में क्या हो जाता है कुछ नहीं पता। वैसे मैं कुछ और व्यम नहीं कह रही हूँ, सब लोग हम अभी फ़िलहाल फ़िलहाल क्या देखिए सब धरती पे ही हैं, लेकिन हाँ धरती पे रहते हुए भी काफ़ी लोग थोड़ा सा इधर उधर अलग अलग हो गए हैं और कारण यही है। वैसे तो भगवान का पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन बस एक थोड़ी सी गलत फहमी कह लीजिए, कान के कच्चे कह लीजिए, और पता नहीं पिछले जन्म का कुछ होता है, रिश्ता होता है, कर्म होता है, या फिर देखिए मानती तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन कई बार मैं वीडियो में रिपीट भी करती हूँ, मैं अब हर एंगल से ज़िंदगी को और रिश्ता को लेती हूँ, अपने आप को भी समझा रही हूँ और अपने आप लोग को भी समझा रही हूँ कि पता नहीं मैं मानती तो नहीं हूँ लेकिन शायद जादू टोना भी होता है कि अगर हंसते खेलते परिवार को कुछ लोग मतलब
सच में बिखेर देते हैं, अलग कर देते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? दो लोग अगर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या दूरी बनाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, मुझे तो नज़र नहीं आता है कि ये सबसे फ़ायदा क्या है। अगर हम मिल के रह रहे हैं, एक साथ त्यौहार मना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो किसी को कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन शायद इसी को कलयुग कहते हैं कि दूसरे का घर का सुख अच्छा नहीं लगता है। तो सही बोलूँ, मैं एक बहुत बड़ा मिसाल कायम कर रही थी कि मतलब कोई कह ही नहीं सकता था कि हम देवरानी जेठानी हैं, या वो उसके बच्चे, मतलब कोई कहे कि देवरानी के बच्चे हैं, या मेरे मतलब देवरानी भी मेरी बेटी को इतना प्यार करती थी कि कोई कह ही नहीं सकता है था कि वो मेरी बेटी है। और शक्ल वगैरह भी दोनों बहन के बहुत मिलता है। जब उसकी दादी भी लेके, दोनों बच्चे के दादी लेके पार्टी उटी भी जाते थे, तो पहचानना मुश्किल होता था कि जेठानी के बच्चे कौन है और देवरानी के बच्चे कौन है। एक अलग सा ही प्यार था, जिसको आप मैं सही बोलूँ, ये सब बोल रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ब्लॉक लेके आते हैं, देवरानी जेठानी का, सास का, बच्चों का, जॉइंट फैमिली का, और लोग देखना भी पसंद करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सही बोलूँ तो मतलब मिस तो हर इंसान, जिसमें भी इंसानियत होगी, वो सारे अच्छे दिन को लोग मिस करेंगे ही करेंगे। और मैं शेयर भी करूँगी, बहुत लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके परेशानी का राज क्या ससुराल वाले हैं, क्या आपके मतलब उनको पता नहीं है, जेठानी है, सास है, नंद है, कौन है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं? तो मैं बहुत जल्द बताऊंगी। इसी गणेश पूजा में ही मैं अपना आवाज़ देना यूट्यूब पे स्टार्ट की थी, और क्यों मैं यूट्यूब पे आई, क्यों मैं बोलना स्टार्ट की, वो सारा कारण मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अब बहुत हो गया, घुटन तो होती थी, लेकिन मैं अब काफ़ी रिलैक्स हो चुकी हूँ, जान चुकी हूँ कि आखिर हमारे अपने लोग ने ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ख़ासकर सही बोलूँ, जब आपकी तबीयत ख़राब हो और फिर भी अगर कोई साथ ना दे, तो सोचिए कोई इंसान कितना गलतफहमी का शिकार हो रखा है, जो मतलब हर चीज़ एक साथ हुआ करता था, सुख दुख सब चीज़, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अचानक ऐसा क्या किसी के लाइफ में हो जाएगा कि मतलब अगर कोई मतलब ख़त्म हो रहा है, या तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है, और सुन के भी अगर कोई अनसुना कर दे, मतलब इतना कोई क्या जादू टोना हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं वैसे भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कि जो भी लोग ऐसा करवा रहे हैं या उसके इशारे कर रहे हैं, अगर अपनों के साथ गलत कर रहे हैं, पता है कि अपने तकलीफ़ में हैं, अपने आखिर किस लिए होते हैं। मतलब अगर लोग बुरे दिन में नहीं काम आएंगे तो कब काम आएंगे? लेकिन हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही उल्टा हो रहा है। और मैंने बताया कि मेरी इलाज तो चल ही रही है, मैं अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ, साथ में हस्बैंड के भी करवा रही हूँ, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो ये सब गणेश जी मैं इसलिए लाई हूँ, वैसे तो 3 दिन ही सोच के लाई थी, अचानक इस बार भी अचानक ही लाई। सही बोलूँ, कभी भी हम अपनी मर्जी से नहीं लाते हैं, गणेश जी का मन होता है तभी आते हैं। और इतनी इतना हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मुझे, मेरी छोटी बेटी का भी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और हस्बैंड के काम से भी मैं जाती रहती हूँ, फिर भी जो मैं प्रसाद बनाना नहीं भूलती हूँ, प्रसाद बनाना मुझे बहुत ही पसंद है, और एक विश्वास बन गया है कि मतलब विघ्न हर्ता उनको मतलब भोग बहुत पसंद है, खासकर अपने हाथों का। चाहती तो मैं इतने में खरीद के डेली अलग अलग वैरायटी के चढ़ा सकती थी, टाइम नहीं है तो, लेकिन फिर भी मैं वही 4-5 बजे उठ के, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रात भर मेरी बेटी छोटी वाली की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लूज मोशन भी है, डॉक्टर को भी दिखाई हूँ, लेकिन वो रात भर जगाती है तो सुबह नींद नहीं खुलता है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि जितना ही हो सके, वैसे तो सोचा कि 3 दिन में भेज दूँगी, लेकिन अब देखिए 3 दिन तो हो गए हैं और मेरा मन नहीं कर रहा है भेजने का। और देखिए, अगर भगवान ने चाहा तो 11 दिन रखूँगी। और बात रही प्रसाद का, तो थोड़ा बहुत बेटी को बोलूँगी, नहीं तो फिर मार्केट से मंगाऊँगी। तो
लेकिन रखने का मन है 11 दिन, क्योंकि बहुत विश्वास है भगवान पे। और जब जब आए हैं तो सही बोलूं, घर के जो भी दुख दर्द हैं वो लेके जाते हैं, और बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी जो हमारे घर पे ग्रह है, मैं तो पूजा पाठ देखिए करा रही हूँ, काफ़ी हद तक सब लोग ठीक भी हुए हैं, समझ भी रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि मेरी बेटी लोग से बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो 100% बोलेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा अभी कुछ नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी मैं धीरे धीरे जानने की कोशिश करूंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बाकी मैं यही कह सकती हूं कि कुछ भी हो जाए, अपनों के अपने आखिर अपने ही होते हैं। कोई कभी पहले कष्ट में होता है, दुख में, कोई बाद में होता है। तो एक होता है ना, आज अगर हम किसी का हेल्प दिल से करते हैं तो कल अपने आप वो हाथ आपकी तरफ आ जाता है। लेकिन कोई नहीं, कुछ ज़्यादा ही रिश्ते में धुंधला सा आ गया है जो नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर जब कोई और परेशानी में थे तो मैं किस हिसाब से भगवान मुझे बुद्धि देती थी। पूजा का तो देखिए यही मतलब है, वीडियो बनाने का यही मतलब है कि अगर आप भगवान के नज़दीक हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो अपनों से क्या दुश्मनी लेना, जो आपके दुश्मन है ना, सही बोलूं, आप उसको भी माफ़ करने की शक्ति आ जाती है। आपकी आत्मा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आप अपनों से नफरत कर ही नहीं सकते, और वो भी अगर आपके अपने पीरा में है और वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, और कहीं से अगर आपको पता चल रहा है कि आपके अपने तकलीफ़ में है, फिर भी अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी भगवान से कि भगवान आपको बुद्धि दे। क्योंकि आप मान लीजिए एक को हेल्प नहीं करेंगे, और क्या बोलूँ, मतलब जो भी है, अगर आप प्रसाद बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप अपनों का ही दुख तकलीफ़ नहीं समझ सकते हैं, वो भी उस लेडीज़ का जिसने आपका अच्छे से दुख तकलीफ़ समझा है, सपोर्ट किया है, हेल्प किया है। आज मुझे हेल्प की खैर वैसे नहीं ज़रूरत है कि मतलब मैं कर नहीं सकती हूँ, सही बोलूँ तो मैं कफन बांध ली हूँ, और जितना हो सके जैसे मैं अपने आप को केयर की हूँ, संभाली हूँ, हस्बैंड का भी करूँगी, पूरा करूँगी। लेकिन मैं तो अपना, मान लीजिए त्यौहार वगैरह की वजह से पिछले बार बोली थी कि लेट करूँगी इलाज, लेकिन हस्बैंड के लिए मैंने ऐसा नहीं किया है। पूजा पाठ भी मैं करती रहूँगी, जो जो त्यौहार आएंगे उसे भी मैं दिल से निभाऊँगी, लेकिन एक जो पत्नी का फ़र्ज होता है वो मैं पूरा निभाऊँगी। क्योंकि देखिए, लोग तो इंसान से भी नहीं डरते हैं, भगवान से भी नहीं डरते हैं, लेकिन सही बोलूँ मेरा वो नेचर ही है। नेचर देखिए कोई किसी के नहीं बदल सकता है। अगर कोई दुख में तकलीफ़ में है तो ये तो मेरे हस्बैंड हैं, सही बोलूँ, जिस तकलीफ़ से मेरे हस्बैंड गुजर रहे हैं, कोई और भी अगर होता ना इनके जगह पे, तो मैं इसी तरह से मदद करती, यही भगवान कहते हैं।